हेलो एवरीबॉडी, हाय, आई एम अंकित, आई एम मुस्कान। हम लोग आज यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि सबसे पहले तो हमको आपको अपने चैनल पे वेलकम करना था। सो वेलकम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हम एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ हु वी आर एंड व्हाई वी आर हियर एंड व्हाट आर वी एक्चुअली गोइंग टू डू। सो वी आर ए न्यूली मैरिड कपल एंड वी आर एक्स्ट्रा चीजी कपल, सो हम बहुत चीजी हैं एंड हमारी शादी को अभी 7 महीने होने वाले हैं। वो हमारी बहुत लंबी जर्नी रही है और अब हमारी शादी को 7 महीने हो चुके हैं। इट्स अ लव मैरिज एंड हम जैसे कि मैंने बोला कि हम बहुत ही चीजी हैं, तो हम अपना सारा जितना भी रोमांस है हमारी शादी में, वी कीप इट ओपन। वी ऑलरेडी हैव एन इंस्टाग्राम पेज एंड थोड़ी सी प्यारी सी छोटी सी फैमिली हमारी इंस्टाग्राम पे, जो हमें बहुत सपोर्ट करती है, हमारे कंटेंट को बहुत सपोर्ट करती है, और वही एक रीजन है कि आज हम यहाँ पर हैं और आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। एग्जैक्टली। सो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि हमने ये चैनल शुरू भी क्यों किया। हमारी, जैसे मुस्कान ने बताया, हमारी छोटी सी इंस्टाग्राम फैमिली है, वो हम लोग को देखते हैं, हमारी शादी सबने देखी है, कुछ लोगों ने हमारी शादी से पहले की भी स्टोरी बहुत कुछ देखी है कि कैसे ये लोग थे, कैसे ये लोग बने और कैसे इनकी शादी हुई। बट देन अभी बहुत डिटेल है, हाँ, उसमें बहुत कुछ है, लेकिन सम पीपल हैव अ लिटिल बिट ऑफ एन आइडिया। वी आर सो ग्रेटफुल कि हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसी ऑडियंस है जो हमें इसमें सपोर्ट करती है और हम, यू नो, दे वांट टू सी मोर ऑफ अस, और हमारी इस न्यूली वेड जर्नी को वो हमारे साथ जीना चाहती है। बहुत ही छोटी सी प्यारी सी फैमिली है जो हमने बिल्ड करी है, और हम चाहते हैं कि हम इस फैमिली को और बड़ा कर सके, और इसी वजह से हम यहाँ पर है। सो टू गिव यू अ बैकग्राउंड, आप क्या करते हो भाई? मैं एक कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ, एक एमएनसी में। मैं वर्क फ्रॉम होम परमानेंटली हूँ, ठीक है? तो मैं घर पे ही रहता हूँ, घर पे ही काम करता हूँ सारा कुछ। इनका वर्क फ्रॉम होम है और आई एम अ नेल आर्टिस्ट। पहले मैं भी कॉर्पोरेट जॉब करती थी और हम उसी के थ्रू मिले थे, बट वो लव स्टोरी हम कहीं और कभी और डिस्कस करेंगे। बट हाँ, हम कॉर्पोरेट जॉब के थ्रू मिले थे, बट अब आई एम अ फुल टाइम नेल आर्टिस्ट एंड अ नेल ट्यूटर एंड आई रन अ होम स्टूडियो एज वेल। तो हम दोनों पूरा दिन घर पे ही रहते हैं और मस्ती करते हैं और अपना काम करते हैं। ये हमारा पहला व्लॉग नहीं होने वाला, ना कि आने वाले व्लॉग्स हमारे पहले व्लॉग होंगे। मुस्कान ने इनफैक्ट आज से 2 साल पहले अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, और सीन ये था कि हम, पहली बात तो अलग अलग शहरों में रहते थे, दूसरी बात फैमिली प्रेशर इतना था कि हम खुल के ना इतनी क्लियरली व्लॉग्स में नहीं आ सकते, नहीं आ पाते थे। एंड वी वर डेटिंग, तो मम्मा को बहुत डर लगता था। दो हमारी फैमिली ने हमारी लव मैरिज को बहुत सपोर्ट किया है, बट एक्चुअली मम्मा ये सोचती कि इतना शादी से पहले सामने आना और घूमना सही नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं वो एक ऑब्लिगेशन बना। हमेशा एक रिस्ट्रिक्शन रहती थी, कभी कभी होता था कि मुस्कान कैमरे के सामने, मैं कैमरे के पीछे हूँ, मैं आना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं आ पाता था। तो हमें ऐसा लगा कि वी आर नॉट, you know, we are unable to be as transparent as we want to be अपनी audience के साथ, तो वो कहीं ना वो एक बनावटी चीजें, हमेशा हमको ना कुछ ना कुछ बहाना adjust करना पड़ता था। सो हमने एक तरह का, फिर हमने सोचा कि कोई बात नहीं, चलो हम ब्रेक लगाते हैं इसको, हम पहले शादी पर फोकस करते हैं, हमने शादी खत्म करते हैं, शादी हो जाएगी ना फिर हम अपनी लाइफ को थोड़ा, फिर हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई नहीं, हमारे पास में ऑफिशियल लाइसेंस होगा कि करो बेटा जाओ, बनाओ अपने जो मर्जी करो, अब तुम पति पत्नी हो, डू व्हाटएवर यू। एग्जैक्टली। तो हमने उस टाइम अपने फैमिली के डिसीजन को, उन्होंने रोका कभी भी नहीं, बट हाँ हमें वो कंसर्न जरूर दिखता था, और हम समझ रहे थे उनका कंसर्न, ठीक है, एज अ पेरेंट वो चीज बिल्कुल वैलिड थी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि हम दोनों घूम रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ वहाँ ऐसा दुनिया भर का, लेकिन उनको ये था कि इतना भी मत करो कि हर कोई सोसाइटी जजमेंट का थोड़ा था, तो हमारा रोका भी नहीं हुआ था, एक्चुअली रोका भी नहीं हुआ था, बस डेट ही कर रहे थे, तो मॉम डैड से डेट कर रहे थे, लेकिन रोका मतलब कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ था। हाँ, तो मम्मी पापा को टेंशन थी कि बिना ऑफिशियल हुए ऐसे ऐसे सब करना तो सही नहीं है, है ना? मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ना हो कि मम्मी मुझे तो नहीं रोक रही है, बट कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि उन्हें कुछ सोसाइटी का प्रेशर फेस करना, जबकि किसी ने कुछ बोला नहीं था, बट कभी ना हमें खुद ही अपने आप को इतना रिस्ट्रिक्ट करने लग जाते हैं। बट मेरी फैमिली में भी, मेरे रिलेटिव्स भी सब बहुत सपोर्टिव है, वो बहुत ही मॉडर्न है इन सब चीजों को लेके, तो तब मैंने सोचा कि लेट्स पुट अ स्टॉप ऑन दिस, मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम, बट व्हेन वी आर ऑफिशियल और जब हमारी शादी हो जाएगी तो हम ये काम करेंगे, एंड 2 years लेटर हियर वी आर। सो हम आपसे यही बताना चाहते हैं कि अब हम इंस्टाग्राम के साथ साथ यहाँ पर भी आ गए हैं, और आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के लिए हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो अब आप लोग
सुबह हमारे साथ उठोगे और रात को हमारे साथ दिन खत्म करोगे अपना. We will take you through all the highs and all the lows of our daily life. And of our marriage. आप लोगों को दिखेगा कि कैसे एक वर्किंग हाउस जिसमें एक कपल जो हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों काम करते हैं उनकी डेली लाइफ कैसी होती है जबकि वो एक ही घर में रह रहे हैं. एक कमरे में बीवी काम कर रही है, एक कमरे में पति काम कर रहा है, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ चल रही है. और उसके साथ साथ कैसे अपनी बाकी चीजें बैलेंस करना, टाइम निकालना. मेरी आदत में ना शुरू से ही बहुत सोशल रही हूँ और मैं जब मेरा प्राइवेट प्रोफाइल भी था इंस्टाग्राम पे तो मैं हर चीज डालती थी. आई एम वेरी लाइक अ टोटल सोशल बटरफ्लाई. कुछ भी कर रही हूँ ना मैं, मुझे ये दिखाना बहुत पसंद है. चाहे वो मेरे 200 फॉलोअर्स हो या 20,000 फॉलोअर्स हो, मैं वो बहुत एंजॉय करती हूँ. और इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज मेरे लिए बनी है और मैं बहुत खुश हूँ कि हम वापस इस ट्रैक पर आ गए हैं. और हम होप करते हैं कि आप हमें इस जर्नी पे सपोर्ट करोगे, हमें प्यार दोगे और हमारे इस परिवार का हिस्सा बनोगे. एग्जैक्टली, वी जस्ट वांट टू टेक यू अलोंग एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी. ठीक है, सो शुरुआत फिर आज से ही करते हैं. तो प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. वी प्रॉमिस यू वी विल कीप दिस एज इंटरक्टिव एज पॉसिबल. हम हर मीडियम यूज करेंगे टू मेक श्योर दैट वी हियर यू एंड यू हियर अस. बस हमें आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपनी तरफ से कमेंट्स करो. कमेंट्स करना सो दैट वी नो व्हाट यू वांट और आपको जो हम कर रहे हैं वो कितना पसंद आ रहा है. Exactly. और क्या हम कर सकते हैं जिससे हमें आपका प्यार और मिलता ही रहे. हाँ. आज की इंट्रो वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं और जो भी हमारा ड्रिल है वो हम आज से स्टार्ट कर देते हैं. सो गाइज, मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. बाय बाय.